अंतरिक्ष में हर दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो सीधे सीधे पृथ्वी पर असर डालती है। वैज्ञानिक इन घटनाओं पर पैनी नज़र बनाए रखते हैं। इसी कड़ी में धरती के करीब से एस्टेरॉयड के गुजरने और कभी कभी इसके टकराने की घटनाएं भी आती हैं। इस महीने 5 और 8 अगस्त को अब तक 2 एस्टेरॉयड धरती के करीब से गुजर चुके हैं, जबकि आने वाले 21 दिनों में 3 बड़े खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाले हैं। तो क्या उन एस्टेरॉयड से हमारी पृथ्वी को कोई खतरा है? जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इससे पहले 5 अगस्त को 2009 PQ1 और 8 अगस्त को 2020 OL4 नाम के एस्टेरॉयड्स धरती के नज़दीक से गुजरे थे, लेकिन अब अगले 21 दिनों में 3 एस्टेरॉयड फिर से धरती के करीब आने वाले हैं। 2020 FA1 नाम का पहला एस्टेरॉयड 23 अगस्त को गुजरने वाला है, जिसकी चौड़ाई 19 मीटर है। वहीं 2016 AH164 नाम का दूसरा एस्टेरॉयड 26 अगस्त को गुजरने वाला है, इसकी चौड़ाई 3.9 मीटर है। यह पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक से गुजरेगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि 2020 FA1 पृथ्वी के 70 लाख किलोमीटर दूर से निकल जाएगा, जबकि 2016 AH164 धरती से 60 लाख किलोमीटर दूर से निकलेगा। 2011 ES4 नाम का तीसरा एस्टेरॉयड 1 सितंबर को धरती से 1.21 लाख किलोमीटर दूर से निकल जाएगा, इसकी चौड़ाई 28 मीटर है। ये चांद और पृथ्वी के बेहद नज़दीक से गुजरेगा। हालांकि माना जा रहा है कि इससे किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसका रास्ता अलग है। आपको बता दें कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की सेंट्री रिस्क टेबल खतरनाक एस्टेरॉयड पर पैनी नज़र रखती है जो धरती को नुकसान पहुंचा सकती है, ताकि किसी भी तरह के खतरे को देखते हुए उससे बचने का पहले से उपाय किया जा सके। सेंट्री रिस्क टेबल के मुताबिक आने वाले 100 सालों में पृथ्वी के नज़दीक से ऐसे 22 एस्टेरॉयड गुजरने वाले हैं जो काफ़ी खतरनाक होंगे और पृथ्वी से टकराने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में इससे बचने का उपाय पहले से ही किया जा रहा है। माना जाता है कि धरती के लिए जो सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड 29075-1950 DA है, ये एस्टेरॉयड 1 किलोमीटर चौड़ा है, जिसे पोटेंशियली हजार्डस एस्टेरॉयड की कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा वैज्ञानिक जिन एस्टेरॉयड पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं उसमें एस्टेरॉयड एपोफिस, एस्टेरॉयड बेनू और 2018 BP1 शामिल है। एस्टेरॉयड एपोफिस का डायमीटर 1214 फीट है। माना जाता है कि ये 2060 से 2105 के बीच पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकता है। 2018 BP1 नाम के इस एस्टेरॉयड को 2020 से 2025 के बीच में पृथ्वी से टकराने की संभावना है। इसका आकार सिर्फ 7 फीट चौड़ा है। आने वाले कुछ वर्षों में पृथ्वी से एस्टेरॉयड 2005 ED224 का टकराने की सबसे ज़्यादा संभावना है। बताया जा रहा है कि 177 फीट का ये एस्टेरॉयड साल 2023 से 2064 के बीच पृथ्वी से टकरा सकता है। दोस्तों, फिलहाल किसी एस्टेरॉयड के हमारे पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।